एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत लंबे टाइम के बाद आ रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है व्लॉग्स बनाने का। बहुत बहुत सारे काम हो जाते हैं एक्चुअली। तो फिर आज मैं जा रही हूँ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली मैं शादी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो फिर मैंने सोचा चलो आज व्लॉग ही बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या नया स्टॉक आया। और आपको पता है अभी ना सेल भी स्टार्ट हो चुकी है मार्केट में, सावन के सीजन में सेल स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, अब जब हम चलते हैं जल्दी से मार्केट, मैं और मम्मी जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। लेट्स गो। तो मैं और मम्मी निकल चुके हैं ऑटो लेके, और आज बेस्ट चीज़ ये थी आज का मौसम बहुत अच्छा था। हालांकि बारिश बहुत कम हुई थी और किसी किसी एरिया में ही हुई थी भिवानी में, पर हाँ मौसम बहुत अच्छा था, अच्छी हवा चल रही थी, तो हमें लगा कि चलो आज का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम पहुंच जाते हैं जो बिचला बाजार है उनकी गलियों में, और वहाँ पर मिलती हैं साड़ियाँ। बहुत बहुत सारी शॉप हैं, बट हम जिससे लेते हैं बेसिकली वो दो तीन शॉप है। तो आज हम सोचा कि चलो कोई एक एक्सप्लोर करते हैं उनमें से। तो आज हम जा रहे हैं विमल साड़ी सेंटर जो बीच बाजार में है। आप ये गली जो भिवानी से बिलोंग करते हैं वो ये गली देख के ज़रूर पहचान जाएंगे कि ये कौन सा एग्जैक्ट एरिया है, बट स्टिल विमल साड़ी सेंटर के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको हर टाइप की हर रेंज की साड़ियाँ मिलेंगी, और यहाँ पे अभी सेल लगी और आज से ही लगी है, तो हमने सोचा कि देखते क्योंकि सेल के टाइम पे ना ये कुछ अलग ही चीज़ें निकालते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा अच्छा कलेक्शन था, तो हमने स्टार्ट किया इस साड़ी से। ये बहुत ही अच्छी, मतलब मुझे जाते ही इतनी सुंदर लगी, उन्होंने निकाल के रखी हुई थी, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा कपड़ा भी बहुत अच्छा गर्लिश थी मतलब कि ये, और हर कलर पे सूट होने वाली थी ये। कोई भी लाइक डार्क कॉम्प्लेक्शन या बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन कोई भी इसको पहनेगा तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इसके इस तरीके से अलग अलग कुछ प्रिंट्स थे, तो हमने ये देखे तो काफ़ी हमें अच्छी लगी ये वाली साड़ी। और इसमें मतलब रेंज भी अच्छी थी, अराउंड ये 500 टू 600 की रेंज में थी ये, तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो ये साड़ियाँ देखी हमने पहले, तो उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरी वाली साड़ियाँ। कुछ मतलब इसी में ही पैटर्न थे, तो भैया बता रहे थे कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी मतलब लेनी चाहिए। प्रिंट भी अलग अलग थे, तो प्रिंट भी बहुत अच्छे अच्छे थे, तो हमने इनमें से कुछ देखी साड़ियाँ। जो ये मंथ है अभी अगस्त का मंथ स्टार्ट होने वाला है, इस टाइम पे बहुत सेल लगती है। आप किसी भी शॉप पे जाओगे अभी एक दो दिन में हर जगह सेल स्टार्ट होने वाली है, सूट है साड़ियाँ, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी। उसके बाद भैया ये दिखाने लगे बड़े पुराने से डिज़ाइन थे, जो ओल्ड फैशन डिज़ाइन थे, बोले अगर आपको किसी को लेने देने में चाहिए हो तो। हमने बोला कि नहीं भैया, ये वाले डिज़ाइन तो लाइक कहीं पे भी यूज़ नहीं हो सकते, बट अगर आप कपड़ा ले रहे हो तो आप ऐसा लो कि आप किसी को दो तो अगला बंदा खुश हो जाए। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि भाई हमारे एंड से तो हमने फॉर्मेलिटी कर दी, अब किसी को अच्छा लगे ना लगे। तो इन डिज़ाइंस में तो हमें बिल्कुल कोई भी पसंद नहीं आया। फिर हमने बोला भैया क्यों भैया हमें बिल्कुल बेस्ट वाली साड़ी दिखाओ। ऑफकोर्स हमारे घर की पहली शादी है, तो हमें सबको बहुत खुश रखना है, और खुशी मतलब बहुत अच्छा। ऑफकोर्स आपको भी अगर कोई देगा तो आप भी यही चाहोगे कुछ अच्छा ही दे। तो ये वाली जितनी भी भैया हमें दिखा रहे थे हमने सारी ही रिजेक्ट की। तो भैया ने सोचा हार गए भैया, तो कि चलो अब इनको तो हमें हमारा कुछ अलग ही चीज़ें दिखानी पड़ेगी, अलग कलेक्शन। ये कुछ साड़ियाँ थी जो मेरे को अच्छी लगी थी। फिर भैया ने हमें कुछ एटालॉग्स दिखाए, उनके पास नए आए थे मटेरियल, उनमें हमें कुछ डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे थे। लाइक वो लगा था कि हर टाइप का इंसान पहन सकता है, लाइक यंग एज के भी या मिडिल एज या कोई भी पहन सकता है। तो कुछ कैटलॉग्स उनमें देखे, उनके हमने एक एक इस तरीके से पैटर्न्स देखे, डेमो देखे, उनमें हमें काफ़ी पैटर्न्स अच्छे लगे। जैसे कि ये साड़ी है ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, मतलब इसका कलर भी बहुत अच्छा था और ट्रेंडिंग साड़ी थी। आजकल पहने तो कोई भी अच्छा लगेगा, चाहे वो कोई भी एज का बंदा पहने। तो कुछ साड़ी हमने देखी और कुछ फाइनलाइज भी किए। फिर हमने सोचा कि कुछ सूट भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं हमारे रिलेटिव जो हमें ऐसे होते हैं जिनको सूट भी देना होता है। तो हमने कुछ सूट भी देखे, अलग अलग क्वालिटी के थे, अलग अलग पैटर्न में थे, बट सूट हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं लगे जैसे हमें चाहिए थे। बट स्टिल हमने भैया को बोला कि आप और दिखाओ अगर आपके पास कुछ और अच्छा पैटर्न है, बट उतना अच्छा हमें नहीं लग पाया। तो भैया बोले नेक्स्ट टाइम आना। तो हमने कुछ साड़ियाँ ली हैं और एक दो चीज़ें और ली हैं। तो आज की शॉपिंग हुई डन, तो चलते हैं घर। बाय बाय।